हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. Yet another very beautiful and important topic. ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है और जनवरी 2024 के अंदर ये इफेक्ट ले लेगा। वी हैव एडिड 6 न्यू कंट्रीज। ठीक है जी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। वी हैव 4 कंट्रीज फ्रॉम मिडल ईस्ट, 1 फ्रॉम अफ्रीका एंड 1 फ्रॉम साउथ अमेरिका। ठीक है, उसमें आपके लिखा भी हुआ है बच्चे, अगर आप देखोगे तो। ये ब्रिक्स क्या है और ये सब है, ये सब पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले ना एक बार देखो कि यही कंट्रीज क्यों ऐड हुई हैं, क्या है इनमें। हर एक कंट्री इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी। कौन सी वाली? सऊदी। ठीक है, ऑयल के लिए ये तीनों चारों ही है वैसे। ठीक है, ऑयल के लिए होगी। और ग्लोबल साउथ का नहीं बचेगा। देखो, इजिप्ट इज एन एंट्री पॉइंट इन अफ्रीका, राइट? इजिप्ट एक ऐसी चीज है जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट, एशिया यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। द ओनली कंट्री, सुएज कैनाल भी है इसके अंदर। यूएई का दबदबा है बेसिकली अरब वर्ल्ड के अंदर, यूएई की चलती बहुत है। सऊदी के पास में रिसोर्सेज हैं एंड सऊदी इज़ दी पायनियर ऑफ इस्लामिक नेशंस और इस्लामिक आइडेंटिटी उसके लिए। ईरान के पास भर भर के ऑयल है और इसके ऊपर सैंक्शंस बहुत हैं, तो ईरान को इसमें इंक्लूड करना इज़ अ स्टेटमेंट दैट वी डू नॉट कन्फॉर्म टू दी US प्रेशर। ये सारी नेशंस, अब ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स नेशन हैं कौन सी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड सारी ऐसी इकोनॉमीज जो कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखती हैं। एक और चीज़ इनमें कॉमन है, इन सबका ग्रोथ रेट अराउंड 8-11% है, वो भी इसमें कॉमन है। अर्जेंटीना, ये ब्राज़ील का दोस्त है ना, इसका मेन कारण यही है कि इसको यहाँ पे रखा है, ब्राज़ील का दोस्त है। प्लस ये लोग एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ है अर्जेंटीना के अंदर, वो सब इसके अंदर कारण है। तो इस टॉपिक को देखने का एक ही नज़रिया रहेगा हमारा कि ये कंट्रीज़ क्यों ऐड हुई हैं, राइट? अपने लेवल पे अपने क्या करना है, इन कंट्रीज़ की ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी है, वो क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है, दैट आई वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर यू। वट वील बी डूइंग इज कि वील अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंट्री इन वन और टू लाइंस कि क्यों यही कंट्री क्यों, राइट? और साथ में आपको ये याद भी रखनी है कि ये वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं। आइए डॉक्यूमेंट में आइए। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना पेज नंबर 9 के जो बिल्कुल लास्ट में है वहाँ आइए। शेयर ऑफ ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, मतलब बेसिकली पेज नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा। द ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, लगभग आधा, 24% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये 5 कंट्रीज, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स कहीं पे भी आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय द वे, ब्रिक्स जो है ना सिर्फ समिट्स करता है, इसका कोई ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर सवाल आएगा तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
है ना, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म. ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, कुछ नहीं है. ब्रिक्स के एनुअल समिट्स होते हैं एंड दैट इज ऑल. उसमें कुछ ये डिसाइड होती है एंड ईच कंट्री इंडिविजुअली एक्ट्स ऑन इट. ठीक है जी. और ये 15th समिट था इसका. कहां हुआ था ये समिट? कहां पे है ये? साउथ अफ्रीका. किसी ने अगर चंद्रयान लैंडिंग देखी हो तो उनको पता होगा कि आपके प्रधानमंत्री वहीं से अटेंड कर रहे थे इसको. ही वॉज एट द ब्रिक्स समिट. तो इससे आपको थोड़ा टाइमलाइन का भी अंदाजा रहेगा. एंड बाय द वे, चंद्रयान का ये भी बहुत फायदेमंद चीज़ है कि G20 से जस्ट पहले हुआ है. द होल वर्ल्ड G20 में ऑल मतलब 85% ऑफ GDP, तो वो सारी कंट्रीज यहाँ आने वाली हैं G20 की. अब सितंबर में है वो, 9 से आई थिंक 11 है ना, यही डेट है. तो उससे पहले ये फिट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पंजाबी से कही तो लात उत्ते होगी, है ना. चलिए, न्यू कंट्रीज कौन सी हैं? 4 मेजर प्लेयर्स इन द मिडल ईस्ट रीजन, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, राइट. इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीका. बाय द वे, इथियोपिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका एंड सिर्फ यही एक कंट्री बची है जहाँ पे क्लेश नहीं हो रहे वहाँ पे, नहीं तो मिलिट्री कूप और ये सब चल रहा है वहाँ पे. सिर्फ ये एक कंट्री जो थोड़ी स्टेबल है ना, और दैट इज़ वाई वी, ये हमारे लिए भी अच्छा एंट्री पॉइंट है. इन सब कंट्रीज़ के लिए भी कुछ फ़ायदा है इंडिविजुअली, राइट. और बेसिकली रशिया क्योंकि इसके अंदर है, तो ये और यूक्रेन वॉर चल रही है ऐसे समय में ब्रिक्स ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया. और किसको इंक्लूड कर लिया साथ में? ईरान को. रशिया पे भी सैंक्शन है, ईरान पे भी सैंक्शन है, और अर्जेंटीना पे भी कुछ कुछ सैंक्शन हैं. इन सारी कंट्रीज पे सैंक्शन है. सो ब्रिक्स को ना, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, ब्रिक्स को देखा जाता है एज काउंटर वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे. लिख लो इसको कहीं पे, एडिशनल पॉइंट्स है ना बच्चे, जहाँ पे वहीं पे लिख लो आप. थोड़ा अंदर साइड पे मत लिखना, अंदर करके लिखना, क्योंकि साइड पे हम कंट्रीज के बारे में लिखेंगे. ब्रिक्स डिस्कशन आर परसीव्ड, ब्रिक्स डिस्कशंस आर परसीव्ड टू कैरी अ काउंटर वेस्टर्न परस्पेक्टिव. और है भी, सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं इसके अंदर. चाइना और रशिया को इसलिए सांस आई है इसमें क्योंकि वर्ल्ड पूरा अगेंस्ट चल रहा है इनके. चाइना के भी अगेंस्ट चल रहा है, रशिया के भी अगेंस्ट चल रहा है. ऐसे में इनके लिए 6 कंट्रीज को ऐड करना, इट्स अ विन. इंडिया के लिए इसका कुछ और मतलब है, ब्रिक्स के लिए एज अ होल इसका कुछ और मतलब है. सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इंपॉर्टेंस फॉर ब्रिक्स पूछा गया है, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया पूछा गया है, या कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स पूछा गया है, राइट. सो हर किसी का आंसर अलग बनेगा, हर किसी का मकसद अलग है इसमें, ठीक है. टू कैरी अ काउंटर वेस्टर्न परस्पेक्टिव, काउंटर वेस्टर्न को कॉमर्स में कर लेना, ठीक है जी. फुल मेंबरशिप विल टेक इफेक्ट ऑन 1st January 2024. PCS के लिए इंपॉर्टेंट है ये, वो आपको डेट वगैरह डायरेक्टली डाल देंगे. ये अभी अभी सिर्फ राजीनामा, राजी हुए हैं कि ऐड होंगी. फुल मेंबरशिप 1 January 2024 से इनको मिलेगी. डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर PCS. पहली बार एक्सपेंशन नहीं हुई है इसकी, आपके एडिशनल पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है. इससे पहले पहले ये ब्रिक था बाय द वे, उसके बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 के अंदर, और 13 साल के बाद में नेक्स्ट एडिशन हो रही है. इसका नाम या तो ब्रिक्स ऑसी जाएगा या फिर ब्रिक्स 11 जाएगा. ऑफिशियल नाम अभी तक नहीं आया है, ठीक है. एग्जैक्टली इसका क्या नाम है, कई जगह कुछ लिखा, कई जगह कुछ लिखा है. ऑफिशियल स्टेटमेंट में आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी डॉक्यूमेंट विच हैड द नेम, न्यू नेम. वो इंडिया ही देगा मुझे जहां तक लग रहा है, इंडिया नाम देने में तेज है. थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन एडिशनल पॉइंट्स, दैट अकॉर्डिंग टू WTO ब्रिक्स कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ द मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट्स, ठीक है. तो ट्रेड में इतना हाथ है इसका, अब और बढ़ेगा बाय द वे व्हेन दीज कंट्रीज आर इंक्लूडेड. और इंडिया का ट्रेड विद द फेलो कंट्रीज इन द ब्लॉक इज $197 बिलियन. ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है किसी भी आंसर की, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट हो सकती है, एक फैक्ट है जो आप यूज कर सकते हो, राइट. इसी में अबाउट ब्रिक्स एक बार इसको पढ़ लेना, कि जिसको नहीं पता कि क्या फुल फॉर्म है, कैसे है. तो इसका लास्ट पॉइंट आप देखेंगे अगर, तो साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन इन December 2010. ये आई थिंक रिपीटेड पॉइंट है, बट इट इज देयर.
चलिए अब हम इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में लिखते हैं। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ ईच न्यू मेंबर साइड पे लिख लेना, इसके इंपॉर्टेंस ऑफ ईच न्यू मेंबर, हर एक मेंबर को देखेंगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप बोल सकते हो। सऊदी अरेबिया क्या बताया था आप लोगों ने? नंबर वन सऊदी अरेबिया क्या है? रिसोर्सेस, मेजर ऑयल प्रोड्यूस, लिख लो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग, मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, ऐसे लिखो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर। क्या होगा इससे अगर हम इसको मतलब एक टेक्निकल वर्ड देना चाहें, सेमी कॉलन डाल के, एनहेंसेस एनर्जी सिक्योरिटी, इसको अगर लिखेंगे हम आंसर के अंदर तो ऐसे लिखना है कि इट एनहेंसेस एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है अगर इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हो, इमेजिन करो घर पे सिलेंडर खत्म हो गया और स्पेयर है नहीं, है ना, तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी सिक्योर्ड नहीं है, अब क्राइसिस है। सो इट एनहेंसेस योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल ऑफ अस, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, क्योंकि यूएस और यूरोप का कुछ नहीं पता लगता कब वो किस पे सैंक्शन लगा दें, है ना, देन यू हैव टू कन्फर्म टू दी सैंक्शन, आपका इंटरनल ग्रुपिंग होएगी और आपका 20% ट्रेड भी चल रहा है, वी आर गुड। एज आर एक्सटर्नल मिनिस्टर सेज दैट इंडिया का इंटरेस्ट हमारे लिए प्राइमरी ही रहेगा डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग। बाय द वे सऊदी अरेबिया का एक विजन 2030 एजेंडा अपना भी चल रहा है उनका, जिसके साथ में दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई देयर ग्लोबल रीच, लिखना लिख लो यहां पे। दिस मूव अलाइंस विद सऊदी अरेबियाज विजन 2030 एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल आउटरीच। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल आउटरीच। अगर सऊदी अरेबिया भी ये बात बोल रहा है, इंडिया भी इस तरफ है, रशिया भी इस तरफ है, मेजर इकोनॉमीज, साउथ अफ्रीका भी इस तरफ है, ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि आपकी वेस्टर्नाइजेशन से अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्नाइजेशन, है ना, तो ये एक ब्रिक्स उसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है उस पर्टिकुलर चीज का। ईरान, नेक्स्ट लिखिए फॉर ईरान, गिव्स ईरान इकोनॉमिक लाइफलाइन अमिड वेस्टर्न सेक्शंस। ये ऑयल वगैरह वाले पॉइंट तो आप लिख ही लोगे, वो तो मिडिल ईस्ट के हैं ही हैं। गिव्स ईरान इकोनॉमिक लाइफलाइन अमिड वेस्टर्न सैंक्शंस, SANCTION सैंक्शंस। इसके होने से पहले ही वैसे थोड़ा सा अगर आपको याद हो, यूएई के साथ में अभी हमने एक MOU साइन किया था जो हमने क्लास में पढ़ा भी है, लोकल करेंसीज यूज करने वाला, है ना, सेम ईरान के साथ में भी है हमारा, पर हो सकता है होगा आने वाले टाइम में, आई एम नॉट श्योर। ईरान के साथ में है क्या MOU कोई, एनीवन? यूएई के साथ में डेफिनेटली है। सो इस टाइप के टाइज के साथ में ये भी होगा आने वाले टाइम में कि आप ब्रिक्स में अगर साथ में आ गए हो, ब्रिक्स 11 में आप पहुंच गए हो, सो आप ऐसे इस टाइप के MOU साइन करोगे कि आप वहाँ जाके रुपीज में पेमेंट कर पा रहे हो, वहाँ के बंदे UPI से आपको डायरेक्टली यहाँ पे रेमिटेंस भेज रहे हैं, राइट? सो व्हेन वी से इकोनॉमिक लाइफलाइन अमिड वेस्टर्न सेक्शंस, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। या नेक्स्ट आप लिख लीजिए पॉइंट, दिस विल इंटीग्रेट ईरान इनटू ब्रिक्स इकोनॉमी, दिस विल इंटीग्रेट ईरान विद ब्रिक्स इकोनॉमीज using local currencies. ईरान को इंक्लूड करना वैसे मेरे हिसाब से तो एक स्टेटमेंट भी है, ईरान ज़्यादा मतलब आपको कुछ इतना कुछ तगड़ी चीज़ ऑफर कर नहीं रहा है,
बट इट्स अ स्टेटमेंट मेरे हिसाब से. हाँ इट्स अ स्टेटमेंट. यूएस यूएस को एक स्टेटमेंट जा रही है. लिख लीजिए दिस सिग्नल्स दिस सिग्नल्स ये ईरान के लिए खासकर ब्रिक्स कंट्रीज इंडिपेंडेंस. ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रीज प्लूरल में सी ओ यू एन टी आर आई ई एस एपोस्ट्रोफी इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस पॉलिसीज. नहीं रहेंगे वो तो उन्होंने अपने उस पर लगाया ना सैंक्शन. पढ़ना इसके बारे में कि सैंक्शन है क्या, कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, अगर आपने उनसे ट्रेड किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसे वाले सैंक्शंस है वो. एंड इट एक्चुअली अफेक्ट्स. अगर एक स्ट्रांग प्लेयर है वो किसी को ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो एक्चुअली वो हो जाता है ब्लैकलिस्ट. नेक्स्ट इज फॉर यूएई. इट इज अ मेजर मिडल ईस्ट इकोनॉमी. पहले तो ये है ना. अब क्या मतलब हुआ इसका, अगर मेजर मिडिल ईस्ट इकोनॉमी है इसका मतलब वहां से पैसा कमाने का भी जरिया है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, उधर लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. और यूएई डॉलर्स के खिलाफ होता जा रहा है तभी उसने इंडिया से साइन किया है. और लिख लो डैश डाल के प्रमोट्स यूज ऑफ करेंसीज अदर देन यूएस डॉलर. तो ऐसी कंट्रीज ब्रिक्स में ली गई हैं. Other than US dollars. Bilateral काम करता है UAE. बढ़िया कंट्री है इस हिसाब से. बिल्कुल सही बात है. अब अगर आपने किसी बड़े बंदे से पंगा लेना है तो आपको पहले खुद भी बड़ा होना पड़ेगा. तो यूएस के भी हक में नहीं है कि अगर इंडिया ने मान लो उससे डील कर ली, मैंने कहा था तूने उससे बात नहीं करनी. इंडिया इज डूइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस. दैट इज द प्रिसाइज रीजन वी हैड नॉन अलाइनमेंट. वी डू नॉट अलाइन विथ सुपर पावर्स. हमको ट्रेड करना है यूएस में, फ़ायदा यूएस भी करेंगे, रशिया से भी करेंगे. एंड दोनों को अगर प्रॉब्लम है कि तुम उससे क्यों कर रहे हो तो मत करो, बट क्योंकि वो लोग समझदार हैं, इकोनॉमी समझते हैं, दे डू इट. तभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यार आप ना कंट्री स्ट्रांग करो, पहले आप अपने रिसोर्सेज बनाओ. आत्मनिर्भर भारत. आपके घर में अगर आप उतनी खेती कर रहे हो, उतना ही आपका लग रहा है, सरप्लस बेचने जा रहे हो, तो फिर आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा खाना पीना रुक जाएगा, मेरा ऑयल कैसे है ना. और एनर्जी सिक्योरिटी हम इन चीज़ों से कर रहे हैं, तो सेल्फ सफिशिएंसी इज़ द की यहाँ पे. अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो बंदा टर्म डिक्टेट कर सकता है. जिस पे आप डिपेंडेंट हो वो बंदा आपको टर्म्स डिक्टेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, आप उनसे पैसा ले रहे हो अभी, आप चाहो ना चाहो सामने चाहे आप रिवेल बन के आ जाओ, लेकिन वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकल सकते. They will always have an effect on you. Why? Just because you are dependent. Tone बदल जाती है घर वालों से बात करने की जब आप independent होते हो. Right? This is a fact. नहीं हो रही वो अच्छी परवरिश और वो सबका नतीजा है, but I am telling you the fact. और अगर आपने किसी बंदे से deal करनी है तो उसके उसकी हैसियत तक पहुँच के deal करोगे तो better deal मिलती है ना. Clear? बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं इसको. एज इट इज लिख नहीं देना है आंसरों में, थोड़ा सा मॉडिफाई करके. जैसे वो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, सॉफ्ट पावर, कल्चरल एक्सचेंज, ये सब यूज़ करना है. मुद्दा हमें पता है. ठीक है जी, चलिए और कोई सवाल क्लियर है. इजिप्ट,
इजिप्ट का क्या मसला है, इट इज इन्फ्लुएंशियल इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, ये दोनों जगह इन्फ्लुएंशियल है। इट इज द लार्जेस्ट अरब नेशन, दैट इज वाई योर इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो पोस्ट है वो इसी एग्जाम के थ्रू निकलती है, तो करके हमें ये सब देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज इथियोपिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग अफ्रीकन इकोनॉमी, उसका जो डेकेडल ग्रोथ रेट है इथियोपिया का दैट इज 9%, फास्टेस्ट ग्रोइंग अफ्रीकन इकोनॉमी। इसको कैसे, अगर मान लो अपने आंसर्स में लिखना हुआ तो यू कैन यूज टर्म्स लाइक दिस विल स्ट्रेंथन द क्या कहेंगे उसको, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इट इज द गेटवे टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस टाइप की चीज ऐसे करके लिखना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बचा हमारा अर्जेंटीना। मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका, मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका, सेकेंड इज हैज क्लोज टाइज विथ ब्राजील, ठीक है जी, चले आगे। आखिरी के दो टॉपिक रह गए, उड़ते उड़ते से पढ़ते हैं इसको, ज्यादा कुछ है नहीं उनमें। एक तो स्टेट वाला टॉपिक है दैट इज नमो 108, पीसीएस में क्या सवाल आएगा इसके ऊपर, नमो 108 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ वैरायटी ऑफ, है ना, और चार ऑप्शन दे देंगे वो, इट इज अ, ठीक है जी, फटाफट देखते हैं इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं इस करंट अफेयर में। लास्ट में हम चलेंगे ऐसे टॉपिक पे जिससे शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी या तो किया होगा या हुआ होगा आपके साथ, रैगिंग, है ना, उसके लीगल प्रोविजंस देखते हैं कि क्या है रैगिंग के ऊपर स्टैंड्स आपके सुप्रीम कोर्ट का, UGC का, और वॉट आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, है ना, कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, तीन टाइप के होते हैं ना, बेलेबल, नॉन एबल, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ये सही है, थोड़ा ट्रेलर दे दिया आपको, है ना, आने वाले में। चलिए, इसमें सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट इज डेवलप्ड बाय CSIR NBRI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, बाय द वे इसी के साइड पे आप एरो डाल के लिख सकते हैं, CSIR इज द लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1942, CSIR के बारे में लिख रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1942 फंडेड बाय कौन सी मिनिस्ट्री, बहुत सिंपल है, बता दो यार प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा ना किया करो यार, बोल दिया करो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप क्लास में गलत आंसर देते हो ना और फिर तुम्हें उसका सही आंसर जब मिलता है वो तुम भूलते नहीं हो कभी, तो बक दिया करो, कोई नहीं बिंदास। ऑफलाइन वाले के पास खासकर ऑप्शन होता है, बेचारे ऑनलाइन बैठे हैं, जब तक मेरे को बताएंगे 3-4 सेकंड का लैग होता है, वो मेरे पास तब पहुंचेगा, तब तक तो बात गाड़ी कहीं और निकल, दूसरा स्टेशन आने वाला होता है ना, गाड़ी चंडीगढ़ से निकल चुकी होती है, वाला पहुंचने वाली होती है, तब आंसर आता है बेचारों का। आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑफलाइन वालों के पास बोल दिया करो। वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कि आपने बहुत ही गलत चीज़ बोल दी, आई कैन गारंटी कि मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, यू विल हैव इक्वल नंबर ऑफ लिम्स, हाथ पैर उतने ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सीख जाओगे। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नमो 108 किस चीज़ की वैरायटी है, क्यों स्पेशल है, इट इज़ बिकॉज इट हैज़ 108 पेटल्स, 108 का जो हमारा नंबर है दैट होल्ड, इसमें आई थिंक 5th पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे 56th पॉइंट है, द नंबर ऑफ 108, द नंबर 108 होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म एंड फॉर दैट मैटर एवरी रिलीजन दैट हैज़ बडेड आउट ऑफ हिंदुइज्म, लैंडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस न्यू लोटस वेराइटी, राइट। एंड नमो इज नॉट इंस्पायर्ड बाय वट यू थिंक, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय, नीचे लिखा हुआ है ओम नमः वासुदेव। अपने लेवल पे एक बार सर्च कर लेना ये देखने के लिए कि ये कौन से उपनिषद से आया है ये टर्म और इसका क्या मतलब है। साथ में इसका एक और है कि दिस वॉज अ पार्ट ऑफ 1 week 1 lab इनिशिएटिव, जिसके अंदर CSIR जो है अपनी हर एक लैब, हर हफ्ते एक लैब को शोकेस करता है और बताता है कि इनकी हिस्ट्री और इनकी अचीवमेंट्स क्या है। सवाल कैसा बनेगा, दैट 1 week 1 lab इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस करके आएगा, इस टाइप से आएगा, सो द आंसर विल बी CSIR। नेक्स्ट वी हैव NBRI निहार, अगले पेज पे देखेंगे, वो आप स्लाइड पे मैंने डाला नहीं है। व्हाट इज NBRI निहार इज, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ एलोवेरा जिसके अंदर आपके 2.5 गुना ज़्यादा जेल यील्ड होगी, ठीक है जी, और क्योंकि जीनोम सिक्वेंसिंग से ग्रो किया गया है सो इट हैज़ हायर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज एज वेल। तो अगेन सवाल कैसे आएगा कि NBRI निहार क्या चीज़ है ना, या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है, नमो 108 NBRI निहार ये क्या है ना, 3-4 चीज़ें और जैसे अदर लॉन्चेस के अंदर आई हैव गिवन, अदर लॉन्चेस क्या हैं, अपैरल माने कपड़े, अपैरल मेड फ्रॉम लोटस फाइबर, एक परफ्यूम निकाला है विच इज़ कॉल्ड फ्रोटस मेड फ्रॉम द लोटस, देन वी हैव NBRI गाउट आउट, गाउट इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस होता है, उसकी मेडिसिन है ये, राइट। देन वी हैव अ न्यूट्री बार एंड अ डेटा बेस ऑफ 500 rod, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरी के दो ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वी हैव रिटन दैट इट इज़ द लार्जेस्ट R&D इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसमें एक और फन फैक्ट है, बाय द वे द फाउंडर ऑफ CSIR इज ऑल्सो द फर्स्ट आपका चेयरमैन ऑफ UGC ऑल्सो, तो ये वाला और अगले वाला टॉपिक रिलेटेड है, लिख लीजिए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऐसी ट्रिविया है थोड़ा सा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वॉज द फाउंडर ऑफ CSIR। And the first chairman, and also the first chairman of University Grants Commission UGC. मतलब और भी इंफॉर्मेशन है कि 1941 में ही वॉज नाइटेड, नाइट की उपाधि मिली थी, एंड ऑल्सो पद्म विभूषण बाय इन 1954, है ना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। चलिए चलें आगे, रैगिंग हुई है आप लोगों के साथ, नहीं हुई, की है, नहीं की, कॉलेज गए हो, ऑफलाइन अटेंड किए, आप वो वाला बैच तो नहीं हो जो कोविड में घर बैठा था, अच्छा गए थे कुछ टाइम, गए थे कुछ टाइम, मतलब 3-4 साल नहीं निकाले कॉलेज में। दीज डेज ना द मार्केट इज विटनेसिंग द इनफ्लक्स
ऑफ द पीपल जो कि जिनका बैच कोविड में था. रैगिंग गंदी होती. आप लोगों ने तो खैर नहीं फेस करी, विच इज़ वेरी गुड. आप लोग खैर अवेयर जनता में से भी आते हो. ये जो यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो एक्चुअली में दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस थिंग, राइट. लेकिन अब थोड़ा सा सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर जाओ, सेंट्रल इंजीनियरिंग NIT टाइप और इसमें, या फिर ईस्ट में या मिडल में, यहाँ अच्छी खासी टाइप की होती है रैगिंग, है ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक ह्यूमिलिएशन में कन्वर्ट ना हो तब तक हेल्दी सी भी लगती है लोगों को, राइट. दैट इज़ वाई इफ वी लुक एट द डेफिनेशन, लेट अस रीड. ये बाय द वे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है जो ये आप एज डेफिनेशन लिखी हुई है ना. एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट, एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? आपका कोड ऑफ कंडक्ट, राइट. एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय एन एक्ट, समझ सब कुछ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टीजिंग, ट्रीटिंग और हैंडलिंग विद रूडनेस एनी अदर स्टूडेंट. ठीक है जी. इट इंडल्जेस राउडी और इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज दैट कॉज अनॉयंस, हार्डशिप और साइकोलॉजिकल हार्म और टू रेज फियर और एप्रीहेंशन देयर ऑफ इन अ फ्रेशर और अ जूनियर स्टूडेंट, राइट. तो ये रैगिंग की डेफिनेशन है. मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों ने खैर स्टोरीज सुनी होंगी अपने सीनियर से पहले या फिर घर वालों से कि रैगिंग होती कैसी थी पहले, राइट. इट इज़ एक्चुअली वेरी डिमीनिंग उस टाइप में. नाउ इफ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज आई गेस, हाँ, साइकोलॉजी बिहाइंड क्यों कर रहे हैं. स्टार्टिंग में मैंने जब आपसे सवाल पूछा था कि आप लोगों के साथ रैगिंग हुई है, आपने बोला नहीं. फिर मैंने बोला आपने की है, आपने बोला नहीं. जनरली दिस बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड. अगर कोई बंदा पहले वाले का आंसर येस देता है ना, उसको दूसरे वाले का भी येस निकलेगा. ही और शी मे और मे नॉट लाए, पर होता ऐसे ही है, राइट. सेम इज़ द केस विद जब हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जब केसेस देखते हैं हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है ये, उन्हीं का स्ट्रेस पॉइंट है ये, कि जितने विक्टम्स होते हैं, है ना, जितने परपेट्रेटर्स होते हैं, देवर विक्टम्स एट वन टाइम. सो ये एक साइकिल सा चल पड़ता है, दैट हैज़ टू बी ब्रोकन, है ना, जिसमें एक जो जनरेशन है वो विक्टम की तरह एंड हो जाएगी. They won't be the perpetrators. Domestic violence में भी यही देखने को मिला है. ये general एक tendency है, right? सिर्फ आपके understanding के लिए बता रहा हूँ. अगर लिखोगे कहीं पे answer में, बहुत सोच समझ के लिखना कि कोई गलत message ना चला जाए, right? जैसे for example एक आया था, किसी का answer था, I don't remember the name. Thank God that I don't remember the name. वरना जो answer में वो लिखा हुआ था मैं बोलना चाह रहा था. उसमें उन्होंने आई थिंक समुद्रयान के ऊपर था, एक इतना बड़ा पैराग्राफ मेंशन कर दिया कि इन अ कंट्री जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे समुद्रयान मिशन किस काम का, एक एलिमेंट ऐड कर दिया उस आंसर के अंदर. आप में से जो भी है वो आप थोड़ी शर्म कर सकते हो जो बनती है इस केस में. एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी उसके अंदर, एक नई डिबेट कैसे ऐड कर सकते हो आप, राइट. एनीवे, तो इस टाइप की डिबेट जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि परपेट्रेटर्स और विक्टम जनरली कनेक्टेड होते हैं, है ना. आपका NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो भी ये स्टेटमेंट देता है. तो ये बहुत केयरफुली यूज़ करना है. ये ऐसी वाली सुई है जो आपके हाथ पे चुभ जाएगी अगर सही से नहीं पकड़ी तो, ठीक है. चलो, साइकोलॉजी बिहाइंड द कॉज ऑफ इंडल्जिंग इन रैगिंग इज डिराइविंग सेडिस्टिक प्लेजर. सेडिस्टिक इज कि जब आप किसी को परेशान करके खुश होते हो, जैसे अगर किसी ने कोई पेट रखा होगा और बचपन में आप उसको छेड़ते थे और पेट परेशान होता था, आपको मज़ा आता था. ये भी हमारी नेचर के अंदर है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज वी वुड नॉट बी हैविंग कलोजियम जहाँ पे ग्लैडिएटर्स वर फाइटिंग टिल डेथ और लोग पैसे देते उनको देखने के लिए. देर इज़ अ सेडिस्टिक प्लेजर इन अदर्स पेन, ये हमारी टेंडेंसी है. हाँ, बैट लगाते हैं, वही सब चीज़ें पंजाब में तो होता है. डॉग, देर इज़ इलीगल डॉग फाइटिंग, वो रूस्टर फाइटिंग, ये सब चलता है. वो क्या है? दिस आर सेडिस्टिक प्लेजर. किसी को तकलीफ हो रही है तो हमें अच्छा लगता है. सो ये सेम कॉज है इसका यहाँ पे, राइट. डिराइविंग सेडिस्टिक प्लेजर और शोइंग ऑफ पावर, अथॉरिटी, सुपीरियोरिटी बाय सीनियर्स ओवर देयर जूनियर्स, बिकॉज एक्चुअल पावर है नहीं, डिराइव्ड सी पावर है ये एक, ठीक है जी. सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है इसके ऊपर, बहुत जल्दी देखेंगे इसको. उसने इसको टर्म करा है
एज अ मेनेंस अ प्रॉब्लम दैट शुड बी एरेडिकेटेड. मेनेंस प्रिवेडिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, उन्होंने इसको प्रॉब्लम बता दिया, रैगिंग को इशू नहीं बताया, इसको एग्जैक्टली एक मेनेंस बता दिया कि ये इसकी जगह नहीं है समाज में. गाइडलाइंस इशू करी है सुप्रीम कोर्ट ने एंटी रैगिंग, है ना, और आगे देखते हैं बच्चे. थर्ड पॉइंट देखिए, कोर्ट सेड रैगिंग इफ इट बिकम्स अनमैनेजेबल और अमाउंट्स टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट. कॉग्निजेबल ऑफेंस द सेम मे बी रिपोर्टेड टू द पुलिस. पहले कैंपस में पुलिस नहीं आती थी, पहले नहीं आती थी, राइट. फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस निकाली है उसके बाद से पुलिस आनी शुरू हुई है. और इसके बाद से यू मस्ट बी सीइंग दैट अ सर्टन क्लास ऑफ गैंगस्टर्स ऑल्सो रोज फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स. कि जब पुलिस इन्वॉल्व होनी शुरू हुई, है ना, इंटरलिंक्ड होती है प्रॉब्लम सारी. फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द रैगिंग इशू इन विच इट अपॉइंटेड अ कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर के राघवन. नेम इज इम्पॉर्टेंट कि आर के राघवन की जो कमेटी हेड हुई थी वो किस इशू के लिए हुई थी, दैट इज द इशू ऑफ रैगिंग. काफ़ी पोटेंशियल है इसका पीसीएस में आने के लिए, तो थोड़ा केयरफुल रहना. यूपीएससी में भी आ सकता है. यूपीएससी कमेटीज वगैरह कम पूछने लग गया वैसे पिछले 5 साल से, पहले बहुत पूछता था. ठीक है जी, रिकमेंडेशन जो आई थी वो यूजीसी ने गाइडलाइंस के फॉर्म में कर दी है. लास्ट देख लेते हैं कि ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं. अगर पुलिस आ ही सकती है तो हमको टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस पता होने चाहिए. बेलेबल नॉन बेलेबल इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है. कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल में लिख लीजिए आप बच्चे. इन विच एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कॉन्विक्ट विदाउट अ वॉरेंट एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन. ये आपका प्री का पॉइंट है. एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, जनरली जो ये केसेस होते हैं दैट इज डाउरी डेथ्स, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेप, मर्डर, उसमें पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस डाल उठा के कर सकती है. थेफ्ट, किडनैपिंग, ये सब कुछ कॉग्निजेबल में आता है. नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉग्निजेबल. इसका उल्टा, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट एज वेल एज कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन as well as cannot start an investigation ठीक है, जिनकी क्लास है आप जा सकते हैं यहाँ से. वैसे ये खत्म हो गया, एक मिनट और लगेगा इसमें, यू कैन गो. बीच में थोड़ा सा लैग था इसलिए आई हैड टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम. आई थिंक इसमें जो जनरली क्राइम्स इंक्लूडेड होते हैं दैट इज क्राइम्स ऑफ फॉर्जरी, चीटिंग, है ना, इस टाइप के, पैसे मार लिए, ठगी होगी, तो इसमें फिर पुलिस को पहले वारंट चाहिए होता है. पब्लिक न्यूसेंस वो भी इसके अंडर आता है. लास्ट वी हैव कंपाउंडेबल ऑफेंस. कंपाउंडेबल ऑफेंस समझते हो, कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हो आप, इवन इफ द केस इज गोइंग ऑन, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड कैन effect a compromise while the case is under trial. All right. Thank you so much. So that is all about today's lecture. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रिलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज
over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.